दोस्तों, अगर आप भी YouTube में वीडियो बनाते हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे आप लंबा टाइम तक काम करें, आपका जो सपना है वो अगर आप YouTube से पूरा करना चाहते हो, आपका चैनल अगर हमारी तरह नया है, तो भाई अभी से आपको सावधान हो जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कुछ देर में यहाँ पे क्या हो रहा है कि YouTube जो लाखों मिलियन सब्सक्राइबर चैनल है उन्हें भी YouTube आसानी से रिमूव कर रहा है कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन वायोलेशन की वजह से। यहाँ पे दोस्तों जब से क्रिएटर बहुत ज़्यादा YouTube में हो रहे हैं तब से दोस्तों YouTube आपकी जो गाइडलाइन है, अपनी गाइडलाइन पॉलिसी है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर कोई भी आपकी चैनल के खिलाफ, आपकी वीडियो के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करता है YouTube में, तो बहुत जल्दी YouTube आपकी वीडियो के खिलाफ एक्शन ले रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप अभी जो वीडियो बनाते हो, जो कंटेंट आप बनाते हो, वो कंटेंट आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या नहीं, ये आपको जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जाके अगर आपकी चैनल के साथ ऐसा कुछ हो जाए, आपकी चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, रिमूव हो जाए, दोस्तों आपकी जो बहुत ज़्यादा मेहनत है वो दोस्तों पानी में जा सकता है, आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ है जिसमें आपको वीडियो नहीं बनाना है, या फिर कौन कौन सी रूल्स हैं जो आपको मेंटेन करना है, वरना यूट्यूब आपको बताएगा भी नहीं, आपकी जो चैनल है वो यूट्यूब की प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है दोस्तों रिपीटेड वायोलेशंस ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस टर्मिनेशन सर्विसेज। YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो दोस्तों आप अगर वायलेशन करते हो, यहाँ पे आपको YouTube बताएगा भी नहीं, आपकी जो चैनल है वो YouTube की प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देगा। ये दोस्तों आप मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप YouTube की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप आसानी से क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है आप देख सकते हो। मैं थोड़ा बताऊँ कि अगर आपकी जो वीडियो है, जो भी वीडियो बनाते हो, उसके साथ आपका जो थंबनेल, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन है वो सब अगर मैच नहीं होता है, आप गलत चीज़ अगर लोगों को दिखाते हो, तो दोस्तों ये चीज़ जो है वो YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ आता है, आपके वीडियो के खिलाफ एक्शन ले जा सकते हैं, आपके चैनल को YouTube रिमूव कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है मिस इन्फॉर्मेशन, वायलेशन और डेंजरस कंटेंट। अगर दोस्तों आप आपके वीडियो के माध्यम से आपके जो व्यूअर है उन्हें अगर आप गलत चीज़ दिखा, तो आप जो इन्फॉर्मेशन के लिए वो आपके वीडियो में आए हैं, सही इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हो, गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, या फिर दोस्तों आप वायलेशन फैलाते हो, आप डेंजरस चीज़ें दिखाते हो, यहाँ पे जो आपके जो व्यूअर है उनका हार्म हो सकता है, यहाँ पे YouTube आपके वीडियो के खिलाफ एक्शन दोस्तों ले सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों के हेटफुल और हैरेसिंग वीडियो। दोस्तों अगर आपकी वीडियो के माध्यम से आप अगर किसी को गाली गुलाज करते हो, बहुत बुरे तरीके से आप अगर किसी की बदनामी करते हो, या फिर दोस्तों किसी इंसान को आप टारगेट करके आप कुछ बात करते हो, बुरा भला करते हो, और वो जो चीज़ है वो सोसाइटी में गलत प्रभाव फैलाता है, ये दोस्तों आपकी वीडियो के लिए बुरा हो सकता है, आपके चैनल के लिए भी आगे जाके खतरा हो सकता है। चौथी जो चीज़ है ये है दोस्तों 18 प्लस कंटेंट, यानी एडल्ट कंटेंट। अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाते हो पोर्नोग्राफी रिलेटेड 18 प्लस एडल्ट कंटेंट, आप ये मत करो, क्योंकि दोस्तों ये आगे जाके आपकी चैनल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और सोसाइटी में भी बहुत बुरा प्रभाव फैलता है। कोई भी अगर YouTube में अच्छा चीज़ देखने के लिए आता है और ये सब चीज़ जब वहाँ पे उठ के आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ स्ट्रिक्टली जो YouTube की जो टीम है वो लोग देखते हैं। अगर आपकी वीडियो के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करता है या फिर YouTube की नज़र में पड़ता है, तो इसके कारण आपकी जो चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, YouTube आपको बताएगा भी नहीं क्यों आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है। और दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि YouTube गलती से आपकी जो चैनल है उसे टर्मिनेट कर देता है। अगर दोस्तों ऐसा होता है आपके साथ, तो आप YouTube की टीम को अपील कर सकते हो, वहाँ पे आपकी जो चैनल है उसे फिर से YouTube रिव्यू करेगा, और अगर आप सही हो, गलती से ये चीज़ हो जाता है, तो दोस्तों आसानी से आपकी जो चैनल वो आपको मिल जाएगा। अपील जब करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आपकी चैनल के लिए आप जब भी अपील करो एक ही बार अपील करो जब तक आप लोग रिप्लाई ना मिले, दो बार तीन बार अपील मत करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो चैनल की रिव्यू में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आपकी चैनल बैक करने में उनको बहुत ज़्यादा लेट भी लग सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप जब अपील करने के लिए आपकी जो चैनल की जो इन्फॉर्मेशन दोगे, चैनल आईडी वगैरह, वो सही तरीके से आपको देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगले किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपकी चैनल की कौन कौन सी चीज़ आपको संभाल के रख देना बहुत ज़रूरी है, कभी भी अगर आपका चैनल टर्मिनेट होता है, डिलीट होता है, तो उन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ों के बारे में वीडियो में बताया आप लोग ध्यान रखेंगे और सावधानी से YouTube में काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी चैनल को ग्रो करने के, और बाद में आपके जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं वहाँ से अगर आपके चैनल टर्मिनेट होता है तो यार बहुत ज़्यादा दुख होता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके मैं ऐसा ही कॉन्टेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।